Yeah. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज मैं पवन आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने ही कंप्यूटर के द्वारा जो SSC CGL 2021 का जो फॉर्म है वो कैसे अपने ही कंप्यूटर के द्वारा भर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है, क्योंकि यह जो फॉर्म निकलना है वह ग्रेजुएशन बेस पे है। अगर कोई बंदा बारहवीं बेस पे है तो वह इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। जिन लोगों को SSC के इस फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो उन लोगों के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म की सारी जानकारी ले सकते हैं। कितना इसमें सिलेबस है, कितने नंबर का है, सारी जानकारी ने के लिए आप लोगों के पास में एक अपना खुद का कंप्यूटर होना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर पे यह फॉर्म आप लोग सही तरीके से फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगों को जो SSC की मेन साइट होती है उस पर विजिट करना हो भी भाई या बहन SSC CGL का फॉर्म पहली बार फिल कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, आप लोगों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना होगा। वह कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आप लोग अपने SSC के फॉरम के अंदर अपने आधार कार्ड की डिटेल वगैरह शो करवाना चाहते हैं तब तो इस पे यस करेंगे, वरना आप लोग इस पर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को अपनी एक ID सेलेक्ट करनी है। ID सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को उस ID के नंबर डालने हैं। नंबर डालने के बाद में जो भी आप लोगों का ID के अनुसार नाम है, डॉक्यूमेंट के अनुसार नाम है, वो एक बार नाम डालकर उस नाम को वेरीफाई करेंगे। अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट के अनुसार नाम चेंज है तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, वरना इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद में आप लोगों को अपने फादर का नाम डालना है, फादर के नाम को वेरीफाई करना है। फादर के नाम को वेरीफाई करने के बाद में मदर नेम डालना है, उसको भी वेरीफाई करना है। मदर का नाम वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती कर देते हैं। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार फिलअप करें और उसको वेरीफाई करें। फिर आप लोगों को अपनी एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने रोल नंबर सेलेक्ट करनी है। रोल नंबर के बाद में आप लोगों को किस ईयर में आप लोगों ने पास किए, कितने परसेंट से पास किए, वो सारी डिटेल आपको इंटर करनी है। बाद में आपको अपना जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लेवल ऑफ एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन डालना है और सारा फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे। आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से भरनी है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। क्योंकि उसके बाद में जब भी आप लोगों को SSC का जो फॉर्म या एडमिट कार्ड आएगा तब आप लोगों के पास में मेल के द्वारा या SMS के द्वारा आप लोगों से SSC का जो विभाग है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से आप लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ठीक तरीके से फिलअप करें। जैसे ही आप लोग सेव पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास में अपनी आईडी और पासवर्ड आप लोगों को मिल जाएंगे। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में आप लोगों को अपनी आईडी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो चेंज, अपने पासवर्ड चेंज करके वापस से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल पर जैसे आप लोग पहुंच जाएंगे तो उसमें आप लोगों को अपनी कैटेगरी नेशनली और अपनी नॉर्मल डिटेल, जैसे अपना खुद का एड्रेस हो गया, पिन कोड नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, वो सारी डिटेल डालकर आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर जो लास्ट में ऑप्शन मिलता है आप लोगों को डिक्लेरेशन का, उसमें पहले आप लोगों को क्या करना होता था, पहले SSC की जो वेबसाइट थी उसके अंदर आप लोगों को अपने फ़ोटो और अपना जो सिग्नेचर होता है वह अपलोड करना होता था, लेकिन अब वह नहीं करना पड़ता आप लोगों को। तो आप लोग सिंपल एग्री पर क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। लोग जैसे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को जो SSC की जो मेन साइट का जो प्लेटफॉर्म होता है SCGL का, उसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म फिलअप का। आप लोग जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आप लोग SSC CGL का जो मेन फॉर्म फिलअप का जो ऑप्शन होता है वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा और आप लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे।
अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को कुछ डिटेल तो ऑलरेडी इसके अंदर फिलअप मिलेगी, क्योंकि जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था SSC के अंदर तो वो डिटेल इस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी सबमिट हो चुकी थी। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर आप लोग जो अपनी एग्ज़ाम सिटी होती है वह आप लोग 3 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोग अपनी इच्छा से रखना चाहें वो आप लोग अपनी एग्ज़ाम सिटी जो भी आपके नज़दीक में हो वह आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को एक्स सर्विस मैन पूछेगा, अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन हैं तो आप लोग इसे यस करेंगे वरना इस पर नो करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आप लोगों को जिन जिन ऑप्शन पर स्टार मार्क लगा है वो ऑप्शन तो आप लोगों को फिलअप करने कंपलसरी हैं, इसके बिना आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को जूनियर ऑफिसर पोस्ट पर यस करना है, उसके नीचे वाली पोस्ट पर भी आप लोगों को यस करना है। अगर आप लोग अपने एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो यस वरना नो करेंगे। अगर एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर डिफेंस के कर्मचारी हैं, तो वो डालकर आप लोग आगे अपना जो बोर्ड होता है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है कि किस फील्ड से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर उसके बाद में आप लोगों ने अपना स्टेटस पास और कौन से ईयर में आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, कौन सा अपना स्टेट है, स्टेट डालकर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, आप लोगों के ग्रेजुएशन के अंदर कितने परसेंट आए हैं, वो सारी डिटेल आपको डालनी है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आप लोग अपने फॉर्म के अंदर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है क्या वो ऐड कराना चाहते हैं, तो आप लोग यस करेंगे वरना इस पर नो करेंगे। उसके बाद में ऑप्शन आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। फ़ोटो एंड सिग्नेचर की मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जो भी आपकी फ़ोटो होगी वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर 3 महीने के भीतर भीतर उसके अंदर जब भी आप लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई थी उस टाइम की आप लोगों को डेट डालनी है उस फोटो के साथ में, और सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी आप लोगों को इंग्लिश के अंदर करने हैं, और आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। और जो फ़ोटो की जो साइज है वो 20 KB से लेके 50 KB तक होगी, और सिग्नेचर की जो साइज है वह 10 KB से लेके 20 KB तक होगी। उसके बिना आप लोग कंप्रेस किए बिना आप लोग अपनी जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर है अपलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इस साइड के अंदर बता रखा है कि उसी साइज़ में अपलोड करनी है तो उसी साइज़ में आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर किसी से नहीं होता है साइज कंप्रेस तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर को कंप्रेस कर सकते हैं जितनी साइज के अंदर चाहें उतनी के अंदर। ये सारी डिटेल डालने के बाद में आप लोगों को सिंपल आई एग्री पर क्लिक करना है, एक सिंपल कैप्चा फिल करके अपना जो फॉर्म का प्रीव्यू होता है वो चेक कर लेना है कि आप लोगों ने अपना फॉर्म सही तरीके से फिलअप किया है या नहीं। अगर आप लोगों ने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डाल दी हो तो आप लोग अपने फॉर्म को नेक्स्ट करने से पहले आप लोग उसे जो भी आपने गलती की उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग अपनी सारी डिटेल चेक कर लेते हैं तो आप लोगों को फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है, और आप लोगों के पास में एक नोटिफिकेशन ग्रीन कलर का शो हो जाएगा कि आप लोगों का SSC CGL का ग्रेजुएशन लेवल पर जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद में आप लोगों के पास में जो CGL का जो फॉर्म है उसका प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट आने के बाद में आप लोगों को उसका, अगर आप लोग उसे अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं, और या प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि है आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आप लोग इसे PDF के रूप में सेव करें, तब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपना SSC CGL का फॉर्म है वह 10-15 मिनट के अंदर अपने ही कंप्यूटर के द्वारा भर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे मेरे Instagram पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं।